हाय हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आप सबका कादर क्लॉथ हाउस में स्वागत है। तो भाई देखो, आज मैं आपको अपनी रसोई का फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। भाई हमारी रसोई बनकर तैयार हो चुकी है। तो भाई वो रसोई फाइनल लुक बनकर जो हुआ है उसका तैयार, वो कैसा लग रहा है? तो देखो भाई, ये हमारी ऊपर की है जो अलमारी चढ़ी हुई है, ये सारे बने हैं ऊपर। देखो भाई, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये चिमनी है, और चिमनी के लिए जगह छोड़िए, तो यहाँ पर ये चिमनी लगेगी। और बाकी देखो भाई सारा, ये आपको खोल कर दिखाती हूँ अंदर। ये देखो भाई, ये सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखो भाई, आप बताओ भाई आपको कैसे लग रहे हैं ये? ये इस टाइप से खुलेगा भाई। देखो ये कॉर्नर में है ना, तो थोड़ा सा, तो इसीलिए इस टाइप से खुलने वाला है ये। देखो जी, तो बताओ भाई आपको हमारी रसोई कैसी लग रही है, रसोई का लुक कैसा लगा आपको? देखो जी, और ये रहा कलर, बताओ। देखो भाई, मैंने व्हाइट करवाया है क्योंकि व्हाइट ना थोड़ा मतलब रॉयल होता है, तो एकदम बिल्कुल उसकी ना लुक ही अलग आती है बिल्कुल एकदम। तो और भाई देखो, आपको मैं नीचे दिखाती हूँ जो हमने नीचे है ना, नीचे ये डार्क ग्रे कलर लगवाया है इसके अंदर, ये सारा डार्क ग्रे है। आपको मैं खोल कर भी दिखा देती हूँ इसको। ये देखो भाई, ये ऐसे ऐसे रैक लगे हुए हैं। ये देखो, ये इस टाइप से आएंगे रैक सारा। तो भाई इतनी बड़ी है कि आप इनमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ये देखो, और ये देखो भाई, इसके अंदर आप अपना, अभी तो भाई इसके अंदर वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है सारा, तो भाई इसके अंदर आप अपना डस्टबिन वो स्टोर कर सकते हैं। चलो भाई, ये देखो, ये इधर साइड की है। ये देखो जी, ये कुछ इस टाइप से है। इसमें आप अपना कुछ भी, जैसे बड़े बड़े डब्बे हैं ना, वो स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप अपने बर्तन वगैरह वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखो भैया, सारे ऐसे रैक बनी है। ये कॉर्नर में है, तो इसमें कॉर्नर में आप कुछ भी अपना आटे का डब्बा वगैरह, कुछ भी राशन वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हैं भाई। और ये सामने है, अभी इसमें भाई हैंडल नहीं लगे हैं अभी इसके। तो देखो भाई, ये स्लैब है, ये स्लैब बनी है। अभी यहाँ पर अभी चूल्हा आएगा। अभी मतलब साफ सफाई थोड़ा कमी हुई है, लेकिन फिर भी देखो हमारी ये रसोई का फाइनल लुक है भाई। देखो जी, और नीचे ये ग्रे कलर आएगा। तो बताया, देखो भाई आपको कैसी लगी हमारी रसोई, तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और आगे भी जो जो काम होता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। और भाई हमारे घर में शादी है, तो हम शादी की भी तैयारियां करने वाले हैं, क्योंकि काफी टाइम चला गया यूं ही हमारा घर में, तो बहुत कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती रहूंगी भाई। और शादी हमारे साथ आप भी इंजॉय करिए और हम भी इंजॉय करेंगे। ओके, बाय बाय।